शुद्ध और जल पहुंचाने का जो माननीय मोदी जी का सपना है, वह सपना 2024 तक साकार हो जाएगा। आजाद नेशन न्यूज, पैनी नजर, हर खबर। प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह बरेली पहुंचे, जहां उन्होंने जनप्रतिनिधियों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि सरकार 2024 से पहले प्रदेश के हर घर में शुद्ध पानी पहुंचाने का काम करेगी। ऐसे ही बुंदेलखंड में 2023 तक शुद्ध पानी पहुंचाया जाएगा। अब बुंदेलखंड की महिलाओं को पानी की खोज में मीलों पैदल चलकर नहीं जाना होगा। उन्होंने कहा कि सरकार की हर योजना का लाभ पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, यही सरकार का प्रयास और प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून का राज है और कानून के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। कानून के रास्ते में मंत्री और सरकार भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये तो तय है 2024 तक नल के माध्यम से शुद्ध और जल पहुंचाने का जो माननीय मोदी जी का सपना है, वह सपना 2024 तक साकार हो जाएगा। जो बुंदेलखंड है और विंध्य यानी सोनभद्र मिर्जापुर, ये सभी जनपदों में 22 और 23 के पहले ही इधर हो जाएगा, लेकिन 24 संपूर्ण प्रदेश में सभी घरों में स्वच्छ पानी पहुंचेगा। क्या है, पहली बार राज्य के देश के अंदर और राज्य के अंदर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, राज्य के अंदर योगी जी के नेतृत्व में, और इधर पिछले 7-8 सालों से जिस प्रकार सरकार की सोच रही है, मंशा रही है, जिसके कारण लोगों को लगता है राजनीति सेवा है, त्याग है, तपस्या है, समर्पण है। आप देखेंगे कि सभी एक एक कार्य जो पंक्ति के अंतिम व्यक्ति का है वह साकार हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास हो, शौचालय हो, आयुष्मान का 5 लाख का कार्ड हो, किसान सम्मान निधि हो, या उसको गैस का कनेक्शन हो, बिजली का कनेक्शन हो, और कोरोना जैसे वैश्विक महामारी में मुफ्त राशन, मुफ्त टीकाकरण। अब जैसे जीवन जिससे चलता है, बीमारी ना हो और उसको स्वच्छ पानी भी मिले और शुद्ध पानी मिले, अब ये अभियान आदरणीय मोदी जी ने लिया है और संपूर्ण देश के लिए में लिया है, और उत्तर प्रदेश में 2024 तक इस लक्ष्य को पूरा करना है। इस अभियान के लिए और परिश्रम की पराकाष्ठा योगी सरकार के मंत्री और योगी सरकार कर रही है। आदरणीय मोदी जी का जो सपना है उसको साकार हम लोग करेंगे 24 तक। सेकेंड, जो हमारे इस समय हमारे लिए चुनौती है बाढ़ का, 15 जून के बाद बरसात शुरू हो सकता है, तो 15 जून तक जो बाढ़ से संबंधित कार्य चल रहे हैं राज्य के अंदर, ये सभी 15 जून तक हम पूर्ण कर लेंगे, जिसके कारण गांव को सुरक्षित, किसी तरह गांव और खेत को सुरक्षित रख सकें। ये बड़े पैमाने पर चल रहा है और इसी आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं। चल रहा है, ये सभी टेंडर हो चुके हैं, काम चल रहे हैं, कार 15 जून तक पूर्ण भी हो जाएगा। राज्य के राज्य देखो, राज्य के अंदर शांति है, मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, सब लोग शांति से जी रहे हैं, गरीबी के खिलाफ लड़ रहे हैं, गरीबों को खुशहाल लोग देखना चाहते हैं। अब उत्तर प्रदेश दंगा का क्षेत्र नहीं है, गुंडागर्दी का क्षेत्र नहीं है, ना मुसलमान हिंदू से लड़ना चाहता है, ना हिंदू मुसलमान से लड़ना चाहता है। आप दोनों मिलकर गरीबी से लड़ना चाहते हैं और विकास करना चाहते हैं। आप देखे होंगे सभी त्यौहार प्रेम से जा रहे हैं और शांति से जा रहे हैं, और कानून का राज है, इसलिए योगी शासन में कोई कठिनाई नहीं है और सब योजनाएं इधर पंक्ति के अंतिम व्यक्ति का अभिमान और आदरणीय मोदी जी के कारण दुनिया के अंदर भी देश का सम्मान बढ़ रहा है। आज देश के बारे में लोगों की सोच बदली है, पूरे विश्व का जो सोच थी वो बदला है माननीय मोदी जी का। अब देश में भी एक ईमानदार नेतृत्व है, तपस्वी नेतृत्व है, जो परिश्रम की पराकाष्ठा करने वाला नेतृत्व है, यानी एक देश का प्रधान सेवक भी एक दलित शोषित वंचित का दिव्य और भव्य कुंभ में पैर भी धोता है, पैर भी धोने का काम करता है, और उसको सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक मजबूती भी प्रदान करता है। यानी 70 सालों में बुंदेलखंड की
प्रयास नहीं जी, क्या इस पर कुछ है? आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी दिल से जनता की सेवा करना चाहते हैं, गरीबों की कल्याण करना चाहते हैं, राजनीति नहीं करते, आत्मा से जुड़े हुए हैं। इसलिए उन्होंने देखा था कि बुंदेलखंड में बाहर से पानी आता था, किलोमीटर महिलाएं पानी लेकर आती थी छत सर के ऊपर। आज वो समस्या का समाधान हो रहा है और हमें लगता है जून से गांव-गांव पानी पहुंचना शुरू हो जाएगा और जो योजनाएं थी वह पूर्ण हो जाएंगी। अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं कि यूपी अपराध में डूब चुका है, अस्पताल में रेप की घटनाएं हो रही हैं, थानों में रेप की घटनाएं। देखिए, राज्य के अंदर पहली बार ऐसी सरकार मिली है जो किसी मुलजिम के साथ, किसी अपराधी के साथ खड़ी नहीं होती। अपराध करने वाला या दोषी व्यक्ति को सजा मिलती है और कानून अपना काम करता है। कोई पॉलिटिकल पार्टी का या मंत्री हो या संगठन का कोई कार्यकर्ता हो, कोई भी हस्तक्षेप नहीं करता है। जो अपराधी हैं उनको सजा मिलेगी, वो छोड़े नहीं जाएंगे। और आने वाला समय भी संगठन सरकार दोनों मिलकर गरीबों की सेवा ही करना मेरा धर्म। थाने में रेप करने वाले एसएचओ की प्रॉपर्टी पे बुलडोजर कब चलेगा? सभी के ऊपर कार्रवाई हो रही है, कठोर कार्रवाई हो रही है, सख्त कार्रवाई हो रही है। कानून में कोई भी हस्तक्षेप न सरकार न संगठन, कानून अपना राज है, कानून काम करता है और दोषी को सजा मिलती है और दोषी बच नहीं सकता है। कल केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के साथ बैठक हुई है, किस तरह के मुद्दों पर बात हुई? यह है कि जो थोड़ा सा स्पीड है, स्पीड बढ़ाना चाहिए और कार्य योजना जो हम लोगों के सामने रखे हैं केंद्रीय नेतृत्व ने, उसको हम लोग पूर्ण करेंगे। आज रामपुर में जो मन की बात में आदरणीय मोदी जी ने जिक्र किया था सरोवर, अमृत सरोवर का, तालाब का, आज उसी का उद्घाटन है। तो ये मैं आपके माध्यम से आम जनमानस को भी मैं आग्रह करूंगा, पानी कैसे बचा सकते हैं, बचाना चाहिए। जैसे शादी विवाह में बोतलों को बोतल मिलता है पानी पीने के लिए किसी प्रोग्राम में, तो एक घूट पीकर बोतल छोड़ कर ना चले आवे, वह जेब में डाल कर ला सकते हैं, अपने गाड़ी में रख लेना चाहिए। तो जल कैसे बचाएं, और बरसात आने वाला है तो बरसात का जल संचय कैसे हो, इसकी चिंता करना पड़ेगा। क्योंकि धरती को बचाना है, हम स्वयं हम लोग भी अपने को बचावें। ये आवश्यक है कि वृक्षारोपण, जल संचय और स्वच्छता, इस पर विशेष ध्यान सभी को देना चाहिए और जन आंदोलन बने, इसकी चिंता। और जो मंडल की समीक्षा की है मंत्री, रिपोर्ट सौंपी है, उसमें अधिकारियों की हिला हवा, मंडल के समीक्षा में जो 100 दिन के कार्य हमारे हैं, जो कार्य चल रहे हैं उसकी स्पीड क्या है, पूर्ण कब तक होगी, समय से सभी योजनाएं पूर्ण हो, डिले ना हो, ये सभी बिंदुओं पर चर्चा हुई। अधिकारियों की लापरवाही आप स्वयं देख रही हैं। स्पोर्ट न्यूज, पॉलिटिकल न्यूज, क्राइम न्यूज, सोशल न्यूज, हेल्थ न्यूज, तमाम तरीके की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें आजाद नेशन न्यूज के साथ।